लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे बढ़िया बात है अनिल जी, जो मैं स्टॉक लाया हूँ फार्मा सेक्टर से है और लिंकन फार्मा मुझे, और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे हैं, पहले भी दिया है मैंने और टारगेट्स बहुत इजीली अचीव किए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और फार्मा सेक्टर थोड़ा अंडरप्ले कर रहा था पिछले कुछ सेशन से, देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फार्मा स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। और रीजन ये है कि जब डिफेंसिव स्टॉक्स, अब ऐसा मार्केट रहता है वॉलेटाइल रहता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ जाना चाहिए और वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए, क्योंकि हायर वैल्यूएशन को मार्केट थोड़ा सा ज्यादा हार्शली पनिश किया पिछले दो दिन में देखने को मिला है। तो 11 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% के लगभग है और जीरो डेट कंपनी है। ये तीन कॉम्बो मुझे बहुत बढ़िया लगे स्टॉक के, और फिर फार्मा सेक्टर है ही है और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स में भी महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स, सिर्फ 2x पे चलता है। और प्रॉफिट की कैगर भी पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 21.5%। तो मुझे ये सारे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगे। और दूसरी बात, जून क्वार्टर का रिजल्ट, जो कि जून 2020 में 15 करोड़ का जो पैट था उसके सामने 18 करोड़ का पैट, तो पिछले 4 क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया गए। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है। और सबसे बढ़िया एक और चीज है, बहुत पुरानी कंपनी है, मैं रेटिंग्स भी देख रहा था तो बहुत अच्छी रेटिंग्स कंपनी को मिली हुई है क्रिसिल से, और पुरानी कंपनी है और जो फंडामेंटल्स के अलावा जो ग्रोथ हो रही है सारी चीजें दे रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे काम कर रहा है, ऊपर के लेवल से ये 415 तक भी क्रॉस किया और उसके सामने अभी 380 के लेवल्स पे आया हुआ है। तो आई फील कि स्टॉक को ले और 430 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 430 के टारगेट के लिए लिंकन फार्मा में खरीदारी करने की राय जेन साहब के लिए आती हुई।